लिम्रा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपके जरिए से जो बयान का पता चला कि जिसमें महिलाओं को पतियों की तरह कई विवाह करने की राय दी गई है और मशवरा दिया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक बयान है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है, क्योंकि कुछ लोग हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से ऊल जलूल बयान देकर मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में से भी ये एक साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, जो जावेद अख्तर साहब ने बयान दिया है, उस बयान का तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी देश की महिलाओं को कड़ा विरोध करना चाहिए और उनसे बग़ैर माफ़ी मंगवाए उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बयान के ज़रिए से हमारे देश की जो तहजीब है, हमारे देश की जो परंपरा है, उसके ऊपर हमला किया है। आप देखिए, अगर कोई महिला अगर उसका पति जितना भी ख़राब हो, वो उसके साथ अत्याचार करता हो, लेकिन कभी महिला दूसरा विवाह करने के बारे में नहीं सोचती है। वो उसी विवाह को निभाना चाहती है, उसी निकाह को निभाना चाहती है जो उसके घर वालों ने कर दिया है, जुल्मों के बाद भी। तो ऐसी महिलाएं जहां अपने ऊपर जफा करके अपनी लाज, अपने कैरेक्टर को बचा के रखती हैं, वहाँ इस तरह का मशवरा देना अफसोसनाक है, निंदनीय है। इस हमले को जो इन्होंने, जावेद अख्तर साहब ने बयान दिया, मैं समझता हूँ पूरे देश की महिलाओं को मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और जावेद अख्तर साहब से बग़ैर माफ़ी के उनको उस वक़्त तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो माफ़ी ना मांगे।